ऑलवेज मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चल में। दुकान से उठाया मीट का टुकड़ा तो बच्चे ने घोपा चाकू, लहूलहान हालत में मिला कुत्ता। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुलिस कर्मचारियों ने जो इस बच्चे के साथ इस वक्त किया है, ये होने के बाद क्या वो सही है या गलत है, आप लोग पूरी अपडेट जानने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने ग्रेटर नोएडा से आ रहा है, जहां पर मुर्गा मंडी है। मुर्गा मंडी के पास ही जो है एक कुत्ता लहूलुहान हालत में दिखाई दिया, जिसकी बॉडी पे एक चाकू घोपा हुआ था। वहां पर सब लोग जो है इस कुत्ते को देख तो रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वीडियोस वायरल हो रही थी, पर वहां पर कोई भी इस कुत्ते की मदद नहीं कर रहा था। पर वहां पर एक जो कि पशु प्रेमी, जो कि एनिमल लवर एक महिला थी, उन्होंने इस कुत्ते के बारे में सूचना जो है वो एक्चुअली में चिकित्सा में दी, और चिकित्सा कर्मचारी वहां पर पहुंचे और उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर उस कुत्ते का इलाज करवाया। उसके बाद जो पशु प्रेमी हैं, जो एनिमल्स लवर हैं, उन्होंने इस कुत्ते को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस कर्मचारियों से गुहार लगाई कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है, एक बेजुबान जानवर के साथ इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है, इसकी छानबीन की जाए। उसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने जब इसकी तफ्तीश करने के बाद पता चला कि वहां पर मुर्गा मंडी में ये कुत्ता जो है वो आखिरकार एक मीट की दुकान पे जो है मीट का टुकड़ा लेके चला गया, जिसके बाद वहां पर मीट की दुकान का मालिक है उसने अपने भांजे को जो है काफी ज्यादा भड़काया, और भांजा काफी ज्यादा गुस्से में आया कि तेरे होते हुए, उसने बोला कि तेरे होते हुए एक कुत्ता मांस का टुकड़ा ले गया, जिसके बाद उसने गुस्से में आके कुत्ते को जो है चाकू घोप दिया, और उसके बाद ये पूरा कांड हो गया। अभी पुलिस कर्मचारियों को जब इसके बारे में जानकारी हुई, उस मीट दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे को भी गिरफ्तार करके बाल सुधार भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस कर्मचारियों का कहना यह है कि अगर हम इस बच्चे को ऐसे छोड़ दे तो ये बच्चे ने अभी जो है इतने गुस्से में आके चाकू घोपा है एक कुत्ते के ऊपर, तो वो कल को कोई भी बड़े कदम उठा सकता है, उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा आप खुद देखिए। इसीलिए उसको बाल सुधार में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, वहां की जेल में जाना काफी ज्यादा जरूरी था, इसीलिए उन्होंने जेल में डाल दिया है। क्या पुलिस कर्मचारियों ने ये सही कदम उठाया है बच्चे को जेल भेज के, क्या है आपके विचार, आप भी बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।